बॉलीवुड के हैंडसम हंक के नाम से जाने जाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक कई सारी सुपरहिट फिल्में दी और ऋतिक रोशन की ऐसी फिल्मों में एक नाम आता है साल 2003 में आई फिल्म कोई मिल गया का। इस फिल्म को आए लगभग 18-19 सालों का समय बीत चुका है लेकिन आज भी जब ये फिल्म टीवी पर दिखाई जाती है तो लोग उसे बड़े ही चाव से देखते हैं। वैसे तो आपने इस फिल्म को जरूर देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म एक एलियन मूवी थी जिसमें ऋतिक रोशन एक प्री मेच्योर लड़के का रोल अदा करते हैं। उनका इस फिल्म में नाम रोहित होता है और उम्र के साथ रोहित तो काफी बड़ा हो जाता है लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल छोटे बच्चे की जैसा ही होता है। वहीं रोहित यानी कि ऋतिक रोशन इस फिल्म में कई सारे छोटे छोटे बच्चों के दोस्त भी होते हैं। हालांकि उन सब छोटे दोस्तों में एक उनका सबसे खास और उनका बेस्ट फ्रेंड होता है, वो होता है बिट्टू सरदार। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन के इसी दोस्त के बारे में जो आज काफी बड़े हो चुके हैं। बता दें कि बिट्टू सरदार का रोल निभाने वाले उस चाइल्ड आर्टिस्ट का नाम अनुज पंडित शर्मा है। आज अनुज पंडित शर्मा काफी बड़े हो चुके हैं। आपको बता दें कि छोटे से बिट्टू सरदार अब 25 साल के हो चुके हैं। अब वो काफी हैंडसम और काफी कूल भी दिखने लगे हैं। बता दें कि पंडित अनुज शर्मा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और आज दिन अपनी फोटोज अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। फिल्म कोई मिल गया के जरिए अनुज काफी फेमस हुए थे। इस फिल्म के बाद वो फिल्मों में ज्यादा एक्टिव नहीं रहे और उन्होंने अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर किया। हालांकि फिर भी वो कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं जिसमें टोटल सियापा और डर ना मना है फिल्म शामिल है। इसके अलावा वो टीवी के पॉपुलर शो परवरिश सीजन 2 में भी नजर आ चुके हैं। बता दें कि आज भी पंडित अनुज शर्मा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वो काफी फिटनेस फ्रीक है, उन्हें ट्रैवलिंग का काफी शौक है इसलिए वो अक्सर घूमते फिरते भी नजर आते हैं और साथ ही साथ वो हमेशा ही जिम में भी नजर आ जाते हैं। उनको बॉडी बनाने का भी काफी शौक है इसलिए वो अपने फिटनेस का खूब ध्यान रखते हैं। आपको बता दें कि अनुज शर्मा हमेशा ही सोशल मीडिया पर अपनी एक से कर एक तस्वीरें शेयर करते रहते हैं जहां उनका बेहद ही दमदार ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। और आप भी हमारे इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि छोटे से बिट्टू सरदार आज काफी बड़े हो गए हैं। वो आज पहले से ज्यादा हैंडसम नजर आते हैं। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है, उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग उन्हें काफी भी पसंद करती है। वह छोटे से बिट्टू सरदार ने सोशल मीडिया पर लगभग लाखों करोड़ों फॉलोअर्स भी बना लिए हैं। मतलब आपको बता दें कि वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसका नाम है पागल पंक्ति फिल्म। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए ये साफ जाहिर होता है कि वो एक्टर है अपनी खुशी के लिए और सिंगर वो खुद के लिए है, यानी कि वो एक कलाकार होने के साथ साथ वो गायक भी है। वेल दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि छोटे से बिट्टू सरदार के बारे में सभी बातें जानकर आपको कैसा लगा और ये बिट्टू सरदार का बदला हुआ रूप आपको पसंद आया या फिर नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।